तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक कमाल का धमाकेदार अपडेट आया है, और वो अपडेट क्या है यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो अपडेट आया है उसका नाम है रिसर्च टूल, जो कि YT स्टूडियो में ऐड हो चुका है। कई लोगों का हुआ है, कई लोगों के नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो बड़े क्रिएटर होते हैं उन लोगों के पास पहुँच गया होगा अब तक तो फ्रेंड्स, और कुछ लोगों के पास अब धीरे धीरे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये YT स्टूडियो में जो रिसर्च टूल का ऑप्शन आया है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना और पूरा प्रोसेस समझना वीडियो का। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी जो रिसर्च टूल का ऑप्शन आया, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो पहले जब क्रिएटर थे जो अपना वीडियो बनाते थे, अपलोड कर देते थे, उनको अपना व्यू मिल पाता था ना सब्सक्राइब आते थे, तो वो बहुत परेशान हो जाते थे। यही देखते हुए यूट्यूब में एक नया अपडेट आया रिसर्च टूल का। इस टूल में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ऑडियंस जो है किस टाइप का वीडियो हमसे उम्मीद करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसी टाइप पर हम बनाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कि ये जो अभी रिसर्च टूल का जो ऑप्शन आया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स इस टूल में हमें ये पता चल जाता है कि हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा नया जो क्रिएटर, जो जितने भी वीडियो हम बनाते हैं, तो हमारे पास जो भी ऑडियंस है उनको किस टाइप का वीडियो पसंद करते हैं वो लोग, तो उसी टाइप का हम वीडियो बनाएंगे, जिससे कि हम उनका वीडियो ग्रो करने में बहुत आसानी होगा, व्यू भी बढ़ेंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। तो ये जो अपडेट है बहुत ही अलग अपडेट है सभी न्यू क्रिएटर के लिए, उन लोगों का वीडियो ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा जो रिसर्च टूल है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में।